पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर देश भर के किसान करीब एक साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस लगातार नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरती आई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को उस वक्त सभी को हैरत में डाल दिया जब वो दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। राहुल किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर रणदीप सुरजेवाला, बीबी श्रीनिवास और दीपेंद्र हुड्डा समेत अन्य कई कांग्रेसी नेता भी नजर आए। इस दौरान सुरजेवाला और श्रीनिवास को हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी ने कहा, ये किसान की आवाज है, किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है। हम किसानों का संदेश लेकर आए हैं, सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। राहुल ने कहा, ये काले कानून है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें आतंकवादी तक कह दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के खेत बिकेंगे तो संसद में ट्रैक्टर चलेगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगाई जा रही है। करीब 200 किसान हर रोज जंतर मंतर पर किसान संसद कर रहे हैं, जो कि संसद के मानसून सत्र तक जारी रहेगा। बता दें कि पिछले करीब एक साल से किसानों का आंदोलन दिल्ली के टिकरी सिंधु बॉर्डर पर जारी है। किसानों की मांग है कि तीनों कानून वापस हो, लेकिन सरकार का कहना है कि कानून वापस नहीं होंगे। अगर कोई बदलाव करना है तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। वहीं मानसून सत्र में कृषि कानून पर पेगासस जासूसी विवाद से जुड़े हंगामे के कारण संसद के दोनों सदन में कामकाज लगातार प्रभावित हो रहा है।